मोहन सरकार में महाराज सिंधिया को लगा बड़ा झटका, मची अफरा तफरी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नेताओं और विधायकों की धड़कनें तेज हो गई हैं। सीएम मोहन यादव दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक करने पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर साफ हो सकती है। बता दें, मंत्रिमंडल किसे जगह मिलेगी इसको लेकर आज फैसला हो सकता है, लेकिन मोहन सरकार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटका दे सकती है। जी हां, दरअसल मोहन सरकार के मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थक विधायकों की कटौती कर सकती है। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी रणनीति के तौर पर महाराज के समर्थक विधायकों को दरकिनार कर सकती है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सिंधिया के 8 पूर्व मंत्री ही चुनाव जीत पाए हैं, जबकि 3 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले शिवराज मंत्रिमंडल में महाराज के 10 मंत्रियों का दबदबा था। पार्टी लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत हर लोकसभा से एक एक मंत्री बना सकती है। ऐसे में महाराज के इक्का दुक्का समर्थक विधायकों को ही मंत्री पद मिल सकता है। फिलहाल आपको बताते चलें कि मोहन सरकार में महाराज सिंधिया को ये बड़ा झटका मिल सकता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।